हेलो एवरीवन, मैं हूं चिराग गोयल, आपका फ्रेंड, मेंटर और बड़ी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। कि आज हम पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग के अलावा हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने देखे थे उन सब में हमने जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करना सीखा था, कैसे एक प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस में, डिफरेंट कंडीशंस में लूप लगा के कुछ कुछ लॉजिक लिखते हैं। आज हम पहली बार डेवलपमेंट सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हम क्या टच करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत कुछ डेवलप करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, मेरे साथ डेवलपमेंट कीजिएगा। जब भी आपको लगता है कि आपको टाइम चाहिए और डिटेल में जाना है, पॉज कीजिएगा और रिपीट कीजिएगा और मेरे साथ डेवलपमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं, हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डॉम। अब ये डॉम होता क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है और बहुत बार आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, हम बहुत कुछ डेवलप करेंगे। तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, पहले हम समझेंगे कि हमारे पास एक HTML पेज होता है। अब जहां पे भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, कभी भी वेब की बात आती है तो HTML की तो बात आ ही आएगी। क्यों? क्योंकि ब्राउजर जो है वो HTML समझता है, ब्राउजर कुछ और नहीं समझता। ब्राउजर सिर्फ HTML समझता है और कहता है कि भैया अच्छा HTML दोगे, मैं समझ जाऊंगा इसके अंदर क्या है। आप HTML के अंदर कंटेंट डालोगे, आप HTML के अंदर CSS, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट कुछ भी डालोगे, ब्राउजर समझ जाएगा कि मुझे इसके साथ क्या करना है। पर उसके लिए आपको HTML के अंदर वो कंटेंट देना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमने अभी तक कोड प्रोग्राम लिखा था जावास्क्रिप्ट में, वो स्क्रिप्ट जो है, जो आपका प्रोग्राम है, जो कोड है, वो HTML में कैसे डाल सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीके होते हैं अपना जावास्क्रिप्ट का जो कोड हमने अभी तक लिखा था उसको हम HTML में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो ये स्क्रिप्ट होती है ये बेसिकली HTML में जाने का क्या मतलब होता है, हम ये इंटरेक्टिविटी क्यों ही पढ़ रहे हैं, डॉम क्या है, जावास्क्रिप्ट से डेवलपमेंट कैसे करने वाले। तो एक चीज हम बहुत अच्छे से समझते हैं, पहली चीज हमने जो बात की थी जावास्क्रिप्ट के थ्रू, आप जावास्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू आप एक प्रोग्राम लिख सकते हो। जैसे आप किसी भी और लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो आप जावास्क्रिप्ट में भी सेम तरीके से लिख सकते हो, वही अभी तक हम करते आए थे। पर जावास्क्रिप्ट आपको कुछ और देता है, कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज देता है। वो क्या कहता है, आप नॉर्मल प्रोग्राम तो लिख सकते हो पर इसके साथ साथ एक अपने वेब पेज में आप इंटरेक्टिविटी ला सकते हो। जैसे कि हम कोई भी बटन है क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ चीजें ओपन होती हैं। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाता हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाने के बाद आप देखिएगा सेम प्रोफाइल, सेम URL, सेम कंटेंट, सेम लेआउट आपकी भी प्रोफाइल का होगा लिंक्डइन का। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ कंटेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर अलग होगी, ये मेरा नाम है चिराग गोयल, आपका नाम अलग होगा। तो है एक ही पेज, डेवलप एक ही पेज किया गया, पर इसके जो कंटेंट है वो डायनेमिकली पड़ा हुआ है। वो डायनेमिकली कंटेंट किसने डाला, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनेमिकली कंटेंट पड़ा हुआ है। अब और भी चीजें हो रही हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू सिर्फ आप डायनेमिक कंटेंट या डायनेमिक ऐप ही नहीं बना सकते हो, आप और भी चीजें कर रहे हो। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं एडिट पे, तो आप देख रहे हो एक मॉडल खुला जिसमें मेरी इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इमेज पे एडिट करता हूं तो एक और इंटरेक्टिव मॉडल खुला जिसमें मैं रिसाइज कर सकता हूं और बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। ये क्या हो रहा है, ये इंटरेक्टिविटी कहां से आ रही है, ये इस वेब पेज में इंटरेक्टिविटी कहां से आई, ये इंटरेक्टिविटी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आई है। तो जावास्क्रिप्ट आप जब यूज करते हैं, जो स्क्रिप्ट यूज करते हैं बेसिकली आप किसी भी HTML पेज में, वो आपको क्या देता है, वो आपको इंटरेक्टिविटी ऐड करने में मदद करता है और डायनेमिक फंक्शनैलिटी ऐड करने में मदद करता है। कोई भी एक नया आइटम आ गया, एक कंटेनर आ गया, एक मॉडल आ गया, कुछ भी डायनेमिकली नया चीज ऐड हो गया, उसके ऊपर आप कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। ये जितनी भी इंटरेक्टिविटी वर्क कर रही है ना ब्राउजर में, ये सब की सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू वर्क कर रही है, ठीक है। तो देखिए इसके आप क्या होता है, जो हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं ब्राउजर में एग्जीक्यूट करता है, और ये आता कहां से, जब कोई एक वेब पेज जो आपका HTML लोड करता है उसके साथ साथ जो आपने स्क्रिप्ट दी होती है ये भी लोड करती है और एग्जीक्यूट करती है। हम सब देखेंगे, आराम से देखेंगे, प्यार से सारा का सारा कोड लिखेंगे और सब कुछ आराम से समझेंगे। तो चलिए होता क्या है कि जैसे कि हमने देखा है कि जब हमारा HTML और CSS जो कि आप पहले कर चुके हैं, आपने एक HTML लिखा, उसका CSS लिखा और CSS उसका लोड होता है, सिमिलरली जावास्क्रिप्ट भी लोड होता है। जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, यहाँ पे आपके पेज को इंटरेक्टिव बनाना और डायनेमिक वेब ऐप क्रिएट करना, ठीक है। तो आपका जो स्क्रिप्ट है उसका ये काम है। चलिए हम इसके साथ एक स्क्रिप्ट डाल के भी देखेंगे
क्रिएट करके भी देखेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे। अब उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारा एक वेब पेज है, चलिए छोटा सा एक वेब पेज बना लेते हैं, ठीक है। इस वेब पेज का काम क्या होगा, हम क्या करते हैं, जाएंगे एक index.html लिखा, ठीक है। ये आपको पता है कि कोई भी अगर html कोड लिखना है तो उसके लिए मेरे को .html फाइल बनानी है। चलिए उसके साथ मैंने क्या किया, एक html कोड लिखा जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक हेड बना रहा हूं। ये आपने ऑलरेडी html कोड में देख रखा है, जिसका मैं टाइटल दे देता हूं, क्या दे दे, pw skills, और ऐसे ही इसका एक बॉडी बना दे रहा हूं। और इस बॉडी में मैं क्या लिखने वाला हूं, चलिए अपना नाम ही लिख लेते हैं उनके लिए h1, और इसका नाम में लिख देते हैं चिराग। तो दो तरीके हैं, एक इस पेज को डायरेक्टली मैं इसका जो पाथ है कॉपी पाथ ऐसे कॉपी करके डायरेक्टली ब्राउजर में हम ओपन कर सकते हैं कुछ ऐसा, हम ब्राउजर में डायरेक्टली कुछ ऐसा ओपन कर सकते हैं। तो देखिएगा चिराग गोल यहां पे आ गया है। दूसरा क्या तरीका है, आपने एक एक्सटेंशन लोड करने के लिए आपसे कहा था अगर आपको याद होगा, जिसमें आप लाइव सर्वर बेसिकली एक एक्सटेंशन है, तो ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन भी अगर आप क्लिक करते हैं तो एक लाइव सर्वर भी ओपन हो सकता है, जो कि आप देखेंगे इस पोर्ट पे ओपन हुआ है और उस पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके हैं ये काम करने के, हेड में गलत आ गया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा लाइव सर्वर में जो भी आप चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिकली यहां पे अपडेट होते रहेंगे। तो मैंने लाइव सर्वर कर दिया है, आप डायरेक्टली यूआरएल भी ओपन कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा। अब बात आती है कि ये तो मेरा एचटीएमएल पेज है, अब स्क्रिप्ट कहां डालूं, इसमें जो मैंने कोड लिखा था, जो इससे पहले भी सब बनाने का फंक्शन लिखा था और भी चीजें, जो बहुत सारी चीजें हमने सीखी हुई है, अब वो स्क्रिप्ट कहां डाल सकते हैं इस पेज में, उसकी बात करते हैं। तो चलिए स्क्रिप्ट डालने से पहले छोटी छोटी चीजें देखेंगे हम। पहली चीज हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट में डाला जाता है वो मोस्टली तीन तरीके से डाला जाता है। पहला कि जो हमारा पेज है उसके हेड में मैं एक स्क्रिप्ट टैग इंट्रोड्यूस कर दूं, जिसमें मैं अपना जो भी स्क्रिप्ट लिखा है उसको डाल दूं। दूसरा तरीका, एक एक्सटर्नल फाइल बनाऊं उसके अंदर डाल दूं, बना के देखेंगे, ये भी करेंगे। तीसरा, जब जहां पे एक HTML लिखा है, कोई भी एक हेडिंग बनाया है, कोई भी एक डिव बनाया है, कोई भी टैग बनाया है, कोई भी कंटेनर बनाया है, उसी के साथ इनलाइन में ये सारी इवेंट लिख दूं। तो जैसे ऑन क्लिक हो गया, माउस हो गया, ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो तीन तरीके होते हैं मोस्टली, ठीक है। हम पहला और दूसरा तरीका फटाक से देखते हैं, तीसरा तरीका यूज केस जैसा आएगा वैसे ही हम लेंगे। तो चलिए पहला यूज केस देखते हैं। अब हमने कुछ स्क्रिप्ट लिखी थी, अब स्क्रिप्ट जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, मान लो सम का एक फंक्शन बनाया, अब वो सम का फंक्शन मुझे एक स्क्रिप्ट यहां पे डालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक स्क्रिप्ट टैग लूंगा, स्क्रिप्ट टैग खुला और बंद हुआ। मोस्टली याद रखिएगा जब HTML में मोस्ट ऑफ द सिंटेक्स जो टैग्स होते हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं। इसके अंदर मैं कुछ एक फंक्शन लिख सकता हूं, कोई भी एक जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूं। मैंने लिखा सम, इस सम में मैंने लिखा भैया एक्स कॉमा वाई का सम दे दो और रिटर्न एक्स प्लस वाई, और हम इस सम फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं, हम करेंगे 1, 10। तो चलिए इसी के साथ हम इसके कंसोल को ओपन करते हैं, क्योंकि हम कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कराया है, कंसोल में जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रिंट हुआ, स्क्रिप्ट टैग फंक्शन और हमने यहां पे सम दिया है और इसी के साथ कंसोल डॉट लॉग कौन कराएगा, अगर हमें प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट लॉग भी करा ले भाई। तो चलिए हमने कंसोल डॉट लॉग कराया, लोड कराया, देखिए आपके पास 11 इसका जो आउटकम है वो हमारे पास यहां पे आ गया, परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो हमारे पास 11 आउटकम इसका यहां पे परफेक्टली आ गया। तो देखिए हमने पहली चीज देखी कि हम डायरेक्ट स्क्रिप्ट जो है वो हेड के अंदर डाल सकते हैं, उसके अंदर आपका जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है, जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड अभी तक आपने सीखा है, प्रोग्रामिंग सीखी है, वो सारा का सारा कोड आप यहां पे डाल सकते हो और वो एग्जीक्यूट करेगा एकदम परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब ये स्क्रिप्ट टैग हालांकि रिकमेंडेड होता है कि आप स्क्रिप्ट टैग हेड में डालो, पर आप ये स्क्रिप्ट टैग यहां बॉडी में भी नीचे डाल सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। उसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, किस केस में ऊपर डालते हैं कोड, किस केस में नीचे डालते हैं, पर मोटा मोटा आप याद रखिए कि स्क्रिप्ट टैग आप हेड में रखिए या बॉडी में रखिए, पर ये स्क्रिप्ट के अंदर आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड रख सकते हैं। तो देखिए 11 एग्जीक्यूट हुआ और आपको यहां पे आपका आउटपुट दिखाई दे गया, ठीक है।
ओके तो चलिए हमारे पास ये आ गया। अब पहला तरीका तो देख लिया, क्या देखा हमने? फर्स्ट तरीका जिसमें आपने जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो डायरेक्टली एचटीएमएल में स्क्रिप्ट टैग के अंदर रैप करके डाल दिया, डन। पहला तरीका हो गया, कितना आसान था, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने जो भी स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी थी उसको लिया, एक स्क्रिप्ट टैग में डाला और आपने वो जो पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शंस जो लॉजिक होते वो उठा के डाला और आपका मस्त एग्जीक्यूट कर दिया। चलिए ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज है। अब और क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका होता है कि अब चलो ठीक है, अभी तो वर्क कर गया, मेरे पास छोटा कोड था, कम थोड़ा ऐसा ही मेरे पास जावास्क्रिप्ट का फंक्शन या लॉजिक का, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक फाइल है भाई, उसको ग्रंथ थोड़ा ना बनाना है, एक एचटीएमएल फाइल में एटलीस्ट हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न रखेंगे, जिसमें कहेंगे कि यार जो एचटीएमएल का कोड है वो एचटीएमएल फाइल में रखो, जावास्क्रिप्ट का फाइल भी अपने घर लेके जाओ, जहां पे भी रखना रखो, यहां पे क्यों मचा रहे हो, राइट? एक ही फाइल के अंदर सब डाल दोगे, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, एचटीएमएल, कैसे मैनेज होगा? नहीं मैनेज होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या होता है, उसके लिए तरीका होता है, आप क्या कर सकते हो, एक नई फाइल बना सकते हो। ऐसे आप जाओ सेम लेवल पे, मैं एक फाइल बना रहा हूँ जिसको बोल रहा हूँ index.js, ठीक है, आप script.js कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, मैटर क्या करता है, एक .js फाइल आप बनाने वाले हो। तो इस फाइल में हम क्या करेंगे, जो हमने ये कोड लिखा था ना, इस कोड को ऐसे करेंगे, उठाएंगे और इस कोड को यहां पे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, ये जो कोड लिखा था इसको करेंगे बाय बाय, इसको मैं अभी कर रहा हूं कमेंट, ताकि आपको पता रहे, आपके रेफरेंस के लिए भी रहे कि यहां पे। अब मैं क्या करने वाला हूं, सिंपल एक स्क्रिप्ट टैग सेम ऐड करूंगा, पर क्योंकि इस स्क्रिप्ट टैग को खोलो बंद करो, ये चीज तो सेम है, स्क्रिप्ट टैग खुला बंद हो गया। अब मेरा स्क्रिप्ट यहां नहीं है, मेरा स्क्रिप्ट दूसरी फाइल पे है। अब दूसरी फाइल से यहां पे स्क्रिप्ट लाने का या लोड करने का तरीका क्या होता है, सिंपली देख लेते हैं। उसको बोलते हैं SRC, भैया इसका पाथ दे दो। पाथ क्या है, इसी पाथ पे .slash index.js, क्योंकि आप देखिए ना सेम पाथ पे index.js पे आपका ये चीज अवेलेबल है। तो मैंने ये फाइल की सेलेक्ट और यहां पे हमारे पास index.js में आ गया। तो चलिए अब साइड वाला बार मैं बंद कर देता हूं, जिसमें दो ही फाइल है, जिसमें index.js और html है। अब सारा का सारा कोड इन्हीं दो फाइल्स में हम करने वाले हैं। तो चलिए अब लोड किया, देखिए 11 अभी भी आया है, कहां से आया है, यहां से आया है। तो अब इसके साथ एक और चीज प्रिंट कर देते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फाइल से आ रहा है, ठीक है, और इस वाले को बोल देते हैं स्क्रिप्ट टैग से आ रहा है, इंटरनल सेम फाइल से ना, सो इट इज फ्रॉम सेम फाइल। तो चलिए आपके पास दो आएंगे, एक आया है सेम फाइल से प्रिंट हुआ, एक आपका एक्सटर्नल फाइल से प्रिंट हुआ है। तो दोनों के दोनों कोड आपका जो आपने सेम फाइल में लिखा है और डिफरेंट फाइल में लिखा है, दोनों के दोनों यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आप इसका आउटपुट देख पा रहे हो। इज इट इंटरेस्टिंग? तो हमने दोनों तरीके देखे हैं, जिसमें आप सेम फाइल में या फिर एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फाइल में आप ये कोड लिख सकते हो अपना जावास्क्रिप्ट का, जो भी अभी तक आपने देखा है। तो चलिए इसी के साथ अब छोटी मोटी और बातें कर लेते हैं। सेपरेट फाइल के साथ हमने देख लिया कि एक या एक से ज्यादा जावास्क्रिप्ट की फाइल बना सकते हो, आप एक या एक से ज्यादा भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही आपने बनाई है। ऐसे ही जैसे आपने index.js बनाई, मल्टीपल फाइल्स बना लो और उसको यूज कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो, काम करेगा, परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, HTML डॉक्यूमेंट में, बॉडी में जितनी भी आपकी एक्सटर्नल फाइल है, जैसे कि हमने CSS को कॉल किया था, ऐसे ही आपको जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर देना है। बस इसी के साथ हमारे पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लोड होने के लिए तैयार हो गई है। तो चलिए अब हमारे पास दोनों तरीके तो देखे, एक है कि सेम फाइल में डाल दो, दूसरा कि एक्सटर्नल फाइल में डाल दो। अब डिफरेंस क्या है, बेनिफिट क्या मिलता है, क्यों एक फाइल बनाओ एक्स्ट्रा, क्यों अपना काम बढ़ाओ? तो जैसे कि एक चीज तो हमने देखी थी वो ये कि आपका सेपरेशन ऑफ कंसर्न थोड़ा आइसोलेट कर देता है, कहता है कि भैया स्क्रिप्ट मैं स्क्रिप्ट फाइल में लिखूंगा, CSS फाइल में लिखूंगा और HTML में लिखूंगा। ऐसा थोड़ा ना कि सारा का सारा कोड एक ही में आके गंद मचा दिया जाए, नहीं तो मजा नहीं आता ना। कोड लिखने में भी तो थोड़ा सा होना चाहिए कि ऐसा कोड हो कि जिसको आप मेंटेन कर सको। कोई नया डेवलपर आया उसको बताओ कि भाई मेरे पास ऐसा नहीं है कि 1,00,000 लाइन की एक ही फाइल है जिसमें से ढूंढो कहां कोड करना है क्या करना है, डिफिकल्ट हो जाएगा, कैसे मैनेज करोगे, नहीं कर पाओगे, राइट? तो आप दूसरी चीज इसमें देखते हैं, जब भी हम एक्सटर्नल फाइल की बात करते हैं तो आसान हो जाता है कि कभी आपको थोड़ा परफॉर्मेंस या ऑप्टिमाइजेशन
करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फाइल है तो आप उसको ब्राउजर में कैश भी कर सकते हो, ठीक है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका बहुत बड़ा जावास्क्रिप्ट है तो छोटी छोटी अलग अलग फाइल्स में डाउनलोड कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा जावास्क्रिप्ट कब लोड करना है, कौन सा जावास्क्रिप्ट बाद में लोड करना है, कौन सा पहले कौन सा बाद में। आप मल्टीपल इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हो अगर आप एक एक्सटर्नल फाइल में लेके जाते हो जावास्क्रिप्ट को। क्यों? क्योंकि वो एक फाइल है, आप मल्टीपल फाइल में मल्टीपल यूज केस के हिसाब से कंटेंट उसमें स्क्रिप्ट रख सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो चलिए इसके साथ एक बार फटाक से देख लेते हैं जो हम कह रहे हैं कि हम ये जो फाइल है वो लोड होती है एक्सटर्नल कैसे देखें। तो चलिए आप क्या कीजिए, सिंपल सा काम करते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाने के बाद एक बार नेटवर्क में जाइएगा। नेटवर्क में जाने के बाद आप यहां पे ऑल पे चले जाइएगा। आप क्या करेंगे, देखिए लोड करता हूं, ठीक है। लोड करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, आपका एक index.html फाइल लोड हुई जिसके अंदर आपका ये जो html का कंटेंट है, ठीक है, ये आपका एज इट इज html का कंटेंट यहां पे लोड हो गया। ये हमारा कंटेंट था, यही लिखा था हमने एकदम बिल्कुल ये स्क्रिप्ट थी। ऐसे ही आपका index.js जो हमने एक नया फाइल लिखा था वो भी यहां पे लोड हो गया। देखिए index.js ये भी लोड हो गया, तो आपकी ये जो फाइल है ये सेपरेट लोड हो गई। आप सोचिए आपके पास छोटी सी फाइल है, बड़ी फाइल होती तो आप मल्टीपल स्प्लिट कर सकते थे, सोच सकते थे कौन सी पहले लोड कराऊंगा कौन सी बाद में कराऊंगा, ठीक है। और भी इसमें इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आते हैं, मैं ब्लॉकिंग स्क्रिप्ट लाऊं या नॉन ब्लॉकिंग लेके आऊं। अगर आपने धोखे से कभी असिंक डिफर के बारे में सुना है तो कॉमेंट कीजिएगा, अगर आप वो जानना चाहते हैं और उसके बारे में समझना चाहते हैं कि क्या होता है वो सब, तो हम वो सब भी आराम से और बहुत सारे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हमने थोड़ा सा टेस्ट तो लेके देख लिया कि भैया जो स्क्रिप्ट मैं लोड करता हूँ वो स्क्रिप्ट यहाँ पे कैसे लोड होती है। तो हमने देखा कि आपका ब्राउजर में पहले HTML आया, HTML आने के बाद उसका स्क्रिप्ट आया जो कि एक दूसरी फाइल में था index.js में, वो भी ब्राउजर ने उसको लोड कर लिया। चलिए ये तो हमने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। भैया ये जो डॉम 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 बोल रहे हैं स्टार्टिंग से, ये डॉम है क्या? चलो हमने देख लिया कि स्क्रिप्ट कैसे लोड करते हैं एक वेब पेज में, दोनों तरीके देख लिए। अब ये भी समझ लिया कि जितना हमने अभी तक कोड लिखा था वो सारा का सारा कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर डालो या एक जेएस फाइल में बनाओ उसके अंदर डाल दो और वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। जितना प्रोग्रामिंग सीखा था वो सारा का सारा उसमें रख के एग्जीक्यूट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। अब ये डॉम के बारे में जानते हो, तो डॉम है क्या? डॉम पहली बात तो अगर कोई भी डॉम बोलता है तो उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोल देते हैं, ठीक है। अब नाम तो ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हमने बोल दिया, पर इसको आसान भाषा में कैसे समझें? तो इसको आसान भाषा में ऐसे समझते हैं कि जो भी हमें वेब में दिखता है, जो भी दिखता है वेब में, वो कहां से आता है, वो कहां से जनरेट होता है, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट के थ्रू जनरेट होता है। जो मेन पैरेंट है, हम कहां से आए हैं? हम ह्यूमन से आए हैं, है ना। हमारे पेरेंट्स थे और ब्ला ब्ला ब्ला। इस हायरार्की में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन, हम सब के सब ह्यूमन है ना। तो ऐसे ही आपका जितना भी एक वेब पेज दिखता है वो पूरा का पूरा वेब पेज कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। बहुत बढ़िया, ये भी देखेंगे क्या कह रहे हैं इसका मतलब। दूसरी चीज समझते हैं, वो जो भी एक डॉक्यूमेंट है वो किस डेटा स्ट्रक्चर में या किस डेटा टाइप में स्टोर्ड है उसका डेटा, वो एक ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है। बहुत बढ़िया, वो एक ऑब्जेक्ट में, आप जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था लास्ट सेशन में, उस ऑब्जेक्ट में आपका सारा का सारा वेब पेज का डेटा होता है। वाओ, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तीसरा, ये एक मॉडल मतलब एक डिफाइंड इंटरफेस, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया, कोई भी प्रॉपर्टी डाल दी, ऐसा नहीं काम करता। आपकी जो फिक्स्ड प्रॉपर्टीज डिफाइंड है एक वेब पेज में वही काम करती है। आप आए अपने मन की कहानी की कुछ भी बना के चले गए तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब ये बेसिकली क्या करता है, एक इंटरफेस है जो आपके वेब डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपका एक वेब पेज है उसको जो रिप्रेजेंट करता है ना इंटरनली टेक्निकल लैंग्वेज में, वो एक डॉम होता है। देखने में तो बड़ा सुंदर सा हमें लगता है, अरे यार एक वेब पेज है बढ़िया से, इसमें ये CSS कुछ ये स्टाइलिंग रखी है, एक हेड है, फुटर है, बीच में कंटेनर है, कुछ भी है, ठीक है, देखने में तो अच्छा लगता है, पर इंटरनली टेक्निकल टर्म में वो एक डॉम है। और अगर मैं और प्रिसाइजली आपको बताऊं तो वो एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है,
अरे यार ये क्या है, अब ये ट्री भी बनता है क्या इसके अंदर? अब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करने लगे, ट्री डेटा स्ट्रक्चर आ गया। एक तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जा रही है, ठीक है, हम ये चीज विजुलाइज करके भी देखेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मेरे साथ बने रहिए और समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरनली इसको वो डॉम होता है, डॉम में डॉक्यूमेंट की बात की, ऑब्जेक्ट मॉडल की हमने बात की, और अल्टीमेटली जब आप उसको देखोगे तो वो एक ट्री की तरह दिखाई देगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे एट्रीब्यूट जो एचटीएमएल में आपने ऑलरेडी पढ़ रखे वो सबके सब होंगे। और अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, ये जो आपका एचटीएमएल का ट्री बना है ना, जिसको हम डॉम ट्री बोल रहे हैं, इसके साथ इंटरैक्ट करना, इसको मैनिपुलेट करना और इसके कंटेंट के साथ खेलना, यही काम है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का अल्टीमेटली काम क्या है, आपका ये जो डॉम ट्री बना है ना, इसमें से मैं एक एक ब्रांच और ला दूंगा, इस ब्रांच में कुछ मॉडिफिकेशन कर दूंगा, इसका कंटेंट चेंज कर दूंगा, इस ये कभी डिलीट कर दूंगा, कोई कभी और ब्रांच ले आऊंगा, कोई और डॉम ट्री में कुछ एडिशन कर दूंगा। बस जावास्क्रिप्ट में यही सब करते रहते हैं। एक पेड़ है, एक डॉम का पेड़ है जिसको डॉम ट्री बोलते हैं, बस उस पेड़ में जो अलग अलग स्टेम है उसके साथ हमें छेड़छाड़ करनी है, ठीक है, उसके साथ खेलना है। कभी एक ट्री को छोटा कर दो, कभी ट्री को बढ़ा दो, कभी उसमें आम लगा दो, कभी उसमें सेब लगा दो, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली जो हमारे पास पेड़ है, इस पेड़ के साथ हम मजाक करते रहते हैं, ठीक है। तो एक पेड़, ऐसा कुछ पेड़ बनेगा, अभी हम देखेंगे, ऐसा कुछ पेड़ बनेगा, उस पेड़ के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेम्स और हो सकते हैं। हमें अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना क्या होता है, बस यही जो सब दिख रहा है ना, कभी इसको डिलीट कर दो, कभी एक नया कुछ ऐड कर दो, कभी इसके अंदर जाके इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट कर दो या डिलीट कर दो, इसमें थोड़ा सा कुछ स्टाइल डाल दो, बस यही जो ट्री बना है ना, इसके साथ हमें खेलना है। अगर आपको ट्री के साथ खेलना आ गया ना, बस समझिए लाइफ जिंदा रहा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसी के साथ एक बार डॉम को देख लेते हैं और फिर हम थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, ये जो एक वेब पेज है, कहां गया वेब पेज हमारा, ये एक फटाक से इसका एचटीएमएल लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, एक इमेज लेता हूं, उसका एसआरसी लेते हैं, उसके एसआरसी में इसका इमेज ऐसे कॉपी करो, कॉपी इमेज एड्रेस डाल देते हैं, फिर हमारे पास नाम आ गया, एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में कुछ ये कंटेंट पकड़ के डाल देते हैं, एक पैराग्राफ बनाया, इस पैराग्राफ में ये कंटेंट डाल दिया। इस कंटेंट डालने के बाद हमारे पास ये सोशल लिंक है, तो मैंने क्या किया, एक यूएलएलआई बना दिया। इस यूएलएलआई में मैं क्या कहना चाहता हूं कि भैया आपका तीन चीजें हैं, एक है इसका टाइटल टाइप का ले लो, ठीक है, तो इसका मैं कुछ ऐसे कर देंगे, इसको हम लिख देंगे लिंक्डइन, आइकन वाइकन नहीं डाल रहा हूं अभी, इसको हम लिंक्डइन में लिंक में एक एंकर टैग डाल देते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, इसमें लिंक्डइन लिख देते हैं लिंक, इसको बोल देते हैं यूट्यूब, और इसका भी एक कोई एंकर टैग बना देते हैं भैया, और इसको भी बोल देते हैं लिंक कि आप इस पर क्लिक करो जहां जाना चले जाओ। अब इसका एचआरई आप डाल देते हैं थोड़ा सा कि ये भैया कहां जाएगा, उठाते हैं कॉपी लिंक एड्रेस, बढ़िया, इसका एचआरईएफ में लिंक एड्रेस में हमने इसका ये डाल दिया, और इसमें लिंक्डइन का कॉपी लिंक एड्रेस में हमने लिंक्डइन का डाला। अच्छा, इसमें कुछ करेक्शंस हैं जो मैं कर देता हूं। चलिए तो हमने क्या किया, एक ऐसा दिखने वाला कुछ छोटा सा, देखिए एक छोटा सा एक वेब पेज बनाया, क्या लिखा है, सिर्फ एचटीएमएल कोड लिखा, कंट्रोल शिफ्ट पी करके इसको फॉर्मेट कर देते थोड़ा सा, ताकि देखने में सुंदर लगे, ठीक है। हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट पी करके इसको फॉर्मेट कर दिया, एक इमेज डाली, एक एच वन टैग डाला, एक पैराग्राफ डाला, एक यूएलएलआई डाला, और इस यूएलएलआई में हमने लिंक्डइन और यूट्यूब दोनों चीजें यहाँ पे डाल दी है। तो देखिए एक हमारे पास शानदार सा जो पेज वहां दिखा था, इसमें स्टाइलिंग नहीं है, पर हमारे पास एक पेज यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया। अब देखिए समझते हैं, हम ट्री ट्री की बात कर रहे हैं, ट्री है क्या चीज, ठीक है। तो चलो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे ऐसे इंस्पेक्ट, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ये हमारे पास खुला कंसोल, पहले करो क्लीन कंसोल, क्लीन करने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूं, कंसोल में जाने से पहले चलो एलिमेंट में चलते हैं, देखते हैं है क्या। एलिमेंट में जब हम गए तो देखिए मल्टीपल इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले हम करेंगे, देखेंगे एक हमारे पास है एचटीएमएल,
फिर उस HTML में बाकी कुछ कुछ चीजें एक्सटेंशन से आ गई हैं, उसको भूल जाइए। आपके पास है हेड, फिर आपके पास क्या है बॉडी, इस बॉडी के अंदर क्या है एक इमेज, फिर जो हमने H1 टैग दिया था, फिर हमने P टैग दिया था, फिर हमने UL दिया था, UL के अंदर हमने दो LI दिए थे। तो देखिए जो भी हमने कंटेंट दिया था वो सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अब मैं क्या करने वाला हूँ, चलते हैं कंसोल में। हम डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने भी कुछ तो कहा था ना कि बेसिकली डॉम क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसका जिसमें कंटेंट एक ऑब्जेक्ट की तरीके से रहता है, ऐसा ऐसा कुछ तो बोलते थे। चलो आप देख भी लेते हैं कि हकीकत में ऐसा है भी या नहीं है। मैं क्या लिखने वाला हूं, लिखूंगा डॉक्यूमेंट। अब देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट में समझने की कोशिश करते हैं, इस डॉक्यूमेंट में क्या हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं ऐसे एक्सपेंड करता हूं तो देखिए आपके पास क्या है, HTML, आपके पास है हेड, हेड के अंदर टाइटल जो हमने स्क्रिप्ट डाला था, फिर बॉडी, बॉडी के अंदर इमेज जो डाली थी, फिर H1, फिर P टैग जो डाला था, फिर हमने UL जो डाला था, आप देख रहे हैं उसके अंदर क्या मिल रहा है हमें, हमें इसके अंदर एज इट इज एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब कैसे मानूं ये एक ऑब्जेक्ट है, तो चलिए क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, डॉक्यूमेंट डॉट, इसका डॉक्यूमेंट जो है, ठीक है आपके पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक आपको एक ऑब्जेक्ट मिला है, एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब और इंटरेस्टिंग चीजें करके देखते हैं। अब डॉक्यूमेंट के अंदर हम डॉट, इसके चिल्ड्रंस देखे, इसके इसके अंदर बच्चे देखते हैं, इसके कौन कौन से, ठीक है। तो इसके चिल्ड्रन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, ये HTML है। अब मैं कह रहा हूं कि यार HTML के अंदर जीरो तो वाला जरा निकालो क्या है, देखो HTML आ गया। अब इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि चलो इसके अंदर भी देखते हैं कि और बच्चे हैं क्या, इसके अंदर भी चिल्ड्रंस देखते हैं। अब इसके भी बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं, अब इसके चिल्ड्रन में मुझे कौन सा वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, फोर्थ वाला। अब देखिए मैं क्या करूंगा, भैया फोर्थ वाला एक बार चिल्ड्रन दे दो हेड, देखो हेड आ गया। अब हेड के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये जो स्क्रिप्ट डाला था इसको स्क्रिप्ट को दे दो, तो क्या है सेकेंड चाइल्ड है, तो चलो इसका भी एक बार चिल्ड्रन देख लेते हैं, डॉट चिल्ड्रन। तो हो क्या रहा है, ये सारा का सारा कंटेंट, फर्स्ट ये सारा का सारा कंटेंट एक ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ है। आप देखिए आप कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं ये सारा डेटा, आप इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास ये जो डेटा पड़ा हुआ है ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा है। और आपका जो भी डेटा है वो स्टार्ट कहां से होता है, सब कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर है। जितना भी एक वेब पेज आप देखते हैं, भला वो इमेज है, H1 है, P टैग है, एंकर टैग है, जो भी चीज अभी तक हमने देखी है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन, वो सारा का सारा डेटा आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। और डॉक्यूमेंट पड़ा किस डेटा स्ट्रक्चर में है, वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा टाइप के अंदर पड़ा हुआ है। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इसका रिप्रेजेंटेशन एक ट्री की तरह है। यार आप कैसे मान ले ट्री है, अब ऑब्जेक्ट तो चलो समझ में आया कि ऑब्जेक्ट के अंदर इसीलिए मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ डॉट चिल्ड्रन, फिर उसके अंदर एक एरे मिला, फिर उसके अंदर मैंने और कुछ एक्सेस किया, उसका चिल्ड्रन एक्सेस किया, मैं ये एक ट्री की तरह एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर घुसता जा रहा हूं और जो जो कीज चाहिए वो निकाल पा रहा हूं। पर ये ट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया अभी, है ना। अब ट्री के लिए चलो एक बार थोड़ा विजुलाइज करके देख ले इसी कोड को, बिल्कुल बनता है। चलिए हम क्या करने वाले हैं, अपना ये जो कोड लिखा है अभी हमने, इस कोड को ऐसे उठाते हैं कॉपी, और इस कोड को एज इट इज एक विजुलाइजर है जो मैंने ओपन किया है, इस विजुलाइजर में डालते हैं। तो ये विजुलाइजर में मैंने क्या किया, इस कोड को किया पेस्ट। अब देखिए क्या हुआ इस कोड के साथ, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक HTML टैग है, बिल्कुल एक HTML टैग है, यहां पे समझिएगा एक HTML है, बिल्कुल HTML है। इस HTML के अंदर क्या है, एक हेड है और एक बॉडी है, बिल्कुल एक हेड है एक बॉडी है। फिर इस हेड के अंदर क्या है, एक टाइटल है एक स्क्रिप्ट है, देखिए एक टाइटल है एक स्क्रिप्ट है। फिर इस बॉडी के अंदर देखिए क्या क्या है, इस बॉडी के अंदर नांगी बॉडी वाली एक इमेज है, एक H1 है, एक पैराग्राफ है, ऐसे ही हमारे पास ULI थे। तो देखिए एक इमेज है, एक H1 है, एक P टैग है, एक UL था। UL के अंदर क्या क्या चीजें थी याद कीजिए,
हमारे पास दो एलआई डाले थे, एक लिंक्डइन डाला था और एक यूट्यूब डाला था, उसके अंदर एक एंकर डाला था। तो देखिए एक एंकर टैग यहाँ गया, तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया, एक पेड़ ही तो बन गया ऐसे। एक पेड़ हमारे पास तैयार हो गया। तो देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में HTML, HTML के अंदर हेड और बॉडी, हेड के अंदर टाइटल और स्क्रिप्ट हमने डाला, ऐसे ही बॉडी के अंदर हमने इमेज H1, P और UL डाला, UL के अंदर हमने LI डाला और अल्टीमेटली LI के अंदर हमने क्या लिया था, दो एंकर टैग लिए थे। तो ये एग्जैक्टली देखिए क्या यही रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे देखा है, बिल्कुल यही रिप्रेजेंटेशन हमने देखा है। तो देखिए HTML के अंदर जो हमने चीजें डाली थी हेड और बॉडी, दो चीजें डाली थी, हेड के अंदर हमने क्या डाला था टाइटल और स्क्रिप्ट, ऐसे ही बॉडी के अंदर क्या डाला था एक इमेज H1 P UL, फिर UL के अंदर दो LI थे और इस LI के अंदर क्या था एक एंकर और इस LI के अंदर एक एंकर। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो के सारे आप देखिए कैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे, एक ट्री के फॉर्मेट में दिखाई दे रहे, है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज कि जो भी अभी तक हम, जो भी आपने HTML का एक वेब पेज बनाया वो अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल होता है, अल्टीमेटली उसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट होता है, अल्टीमेटली वो एक डॉम ट्री बनाता है, एक ट्री बनाता है जिसको आप हमेशा एक कुछ ऐसे ऐसा कुछ विजुलाइज कर सकते हैं। हमेशा आपका जो भी एक HTML पेज है वो कुछ ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं। कोई भी पेज पे जाओ, आप LinkedIn पे चले जाओ, आप इस पे चले जाओ, PW Skills पे चले जाओ, जाओ इंस्पेक्ट एलिमेंट करो। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद आप ये जो पूरा का पूरा कोड आता है आप क्या करो, इसी को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, एडिट एट HTML करो, पूरा का पूरा ऐसे कॉपी करो और जाके आप पेस्ट कर दो विजुलाइजर में, तो आपको पता लगेगा कि पूरा का पूरा एक डॉम ट्री है। देखिए कितना बड़ा डॉम ट्री बन के आ गया, जो हमने बेसिकली कहा गया इतना बड़ा डॉम ट्री बन गया कि मिल भी गया। आप देख रहे हो एक एक्चुअल वेब पेज, एक एक्चुअल साइट में कितने एलिमेंट और कितना बड़ा डॉम ट्री होता है। तो देखिए जो हमने अभी निकाला है LinkedIn से, देखिए कितना बड़ा एक ट्री बन गया है, भयंकर ट्री है ना। तो ऐसे ही देखिए कितने सारे ब्रांचेस, कितनी सारी है। तो जितना बड़ा पेड़, जितना कॉम्प्लेक्स वेब पेज, उतना ही बड़ा उसका ट्री है ना। इंटरेस्टिंग। तो चलिए इसी के साथ हम और चीजें समझने की कोशिश करते हैं, और चीजें देखने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। तो चलिए हमने एक वेब पेज को समझा, हमने एक डॉम को समझा, डॉम के साथ साथ अब कुछ चीजें और भी समझ लेते हैं कि हमें क्या है। हमने ये डॉम में कंट्रोल जेड मारते हैं, छोटा वाला डॉम ही लेते हैं अपना, सुंदर सा डॉम यही वाला पकड़ते हैं, ठीक है। अब हमने एक डॉक्यूमेंट तो बना दिया, डॉम तो बना दिया, एक डॉम ट्री बन गया। अल्टीमेटली हमने क्या कहा था, जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का काम होता है जितने भी ये ट्री के एलिमेंट्स हैं इसको डायनेमिकली एक्सेस करो, मॉडिफाई करो, ऐड करो, इन्हीं ट्री के साथ छेड़छाड़ करनी है, इन्हीं ट्री के साथ कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, कुछ एड ऑन करने हैं, कुछ रिमूव करना है, और आपको जो भी वेब पेज में दिखाई देता है वो एक इंटरेक्टिव काम होते हुए दिखाई देता है। जैसे कि वापस चलते हैं, आप नोटिस कीजिएगा जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक डिव एक्स्ट्रा ऐड हो गया जिसमें कुछ स्टाइल ऐड है, डॉम में ऐड हो गया। जब मैंने क्रॉस किया क्या हो गया, वो जो एक डिव है वो जाके डिलीट हो गई, ठीक है। पीडब्ल्यू स्किल्स में गया, यहां पे जाने के बाद ये जो आपको दिख रहा है, जब मैंने क्लिक किया तो ये जो चैट आया, ये चैट कहां से आया, ये डायनेमिकली कोई डिव ऐड हुआ, जब मैंने क्रॉस किया तो वो डिव जो है वो डिलीट हो गया, मतलब वो जो ब्रांच में जो एक ब्रांच में एक उसका कंटेनर है, डिव है, वो आया और गया। ये किससे कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट से। ये कर कैसे सकते हैं इसकी बात करते हैं। इसको अगर करना है तो आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती है, कुछ जावास्क्रिप्ट आपको मेथड देता है, कुछ प्रॉपर्टीज देता है जिसके थ्रू आप इन एलिमेंट्स को, इन कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकते हो, जिसमें से कुछ बड़े पॉपुलर हैं जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, देखेंगे ये क्या है, क्वेरी सिलेक्टर, ये भी देखेंगे ये क्या है। अल्टीमेटली आप इसके एलिमेंट्स के टैग को, एट्रीब्यूट्स को, इन सब को मॉडिफाई कर सकते हो। आपको सर्वर पर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई भी कंटेंट मॉडिफाई करना है, यूजर को दिखाना है कि अच्छा आपने मॉडिफाई किया और अल्टीमेटली फटाक से वो चेंजेस हो गए, वो चेंजेस दिखाने के लिए बिना सर्वर पे राउंड ट्रिप लगाए आप ये काम करते हो, तो सर्वर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो आप ये जो हमने डॉम देखा, इस डॉम के थ्रू आप ये सारी चीजें बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हो। हमने विजुलाइजेशन भी देख लिया कि हम कैसे इसको विजुलाइज कर सकते हैं, एक ट्री बना के हमने देखा है जिसमें आप HTML या XML की चलिए हम बात नहीं करेंगे, बट हम HTML की बात कर रहे थे तो उसी पे स्टिक रहेंगे, तो हम वो चीजें देख सकते हैं।
अब वैसे ही ये जो डॉम होता है इसका विजुलाइजेशन से काफी पावरफुल होता है डीबगिंग करने के लिए भी, है ना। आप जो भी कंटेंट, जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है उससे आपको पता लगता है कि क्या अल्टीमेटली हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम जावास्क्रिप्ट में अल्टीमेटली डॉम के ऊपर ही करते हैं, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन भी हमने देख लिया, आप ऐसे राइट क्लिक करके चले जाओ या फिर आप की F12 प्रेस करके चले जाओ, एलिमेंट टैब में चले जाओ, और हमने देखा कैसे हम इसको कोलैप्स कर सकते हैं, कैसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमने देखी हैं, और इसके साथ आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, खुद से देखिएगा। आपका कोई वेब पेज है, फेसबुक खोलिए, गूगल खोलिए, किसी का भी इंस्पेक्ट एलिमेंट करके उसका डॉम ट्री देखने की कोशिश कीजिए, और उसके डॉम ट्री को ऐसे जाइए और ऐसे प्रिंट करके देखिए, जाइए ऐसे इसमें एक्सपैंड और कोलैप्स करके प्ले करके देखिए, और जाइए कंसोल में जाने के बाद ऐसे डॉक्यूमेंट, कंसोल में जाने के बाद ऐसे डॉक्यूमेंट करके उसको प्रिंट कीजिए, और देखिए कि आपके पास क्या आ रहा है। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने पे ये सारा का सारा डेटा ऐसे आता है, आप उसको कोलैप्स कीजिए, प्ले कीजिए, उसके चिल्ड्रन को एक्सेस करने की कोशिश कीजिए, मजा आएगा आपको देखने में और सीखने में। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि भैया हमने डॉम ट्री तो देखा, अब इस डॉम ट्री के साथ मैनिपुलेशन कैसे करें। अब मैनिपुलेशन सीखने के लिए हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। अब जावास्क्रिप्ट के जो एक्चुअल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट है वो सारे यहाँ पे आने वाले हैं, और उसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ डाइव करते हैं, और इसमें और अच्छे से इसके साथ इंटरेक्टिविटी के साथ डायनेमिक कंटेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम डॉम के साथ मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैनिपुलेशन करने से पहले सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जिसको आपको राइट करना है सबसे पहले सीखना होता है उसको रीड कैसे करते हैं। अगर हमें किसी चीज को रीड करना समझ में आ गया, उसके बाद उसका राइट करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट के केस में भी देखा था, हमें रीड करना आना चाहिए। तो रीड करने के लिए डॉक्यूमेंट में, डॉम ट्री में किसी भी एलिमेंट तक, किसी भी एलिमेंट टैग तक पहुंचने के लिए कुछ तरीके होते हैं। वो कौन से तरीके होते हैं? एक तरीका होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, दूसरा होता है क्लास के थ्रू, तीसरा होता है टैग नेम के थ्रू, चौथा होता है सेलेक्टर के थ्रू, और फाइनली होता है कि मेरे बहुत सारे सेलेक्टर्स हैं, मल्टीपल सेलेक्टर्स हैं जो कि मैं एक साथ निकाल सकता हूं किसी पैटर्न से। तो ये सारे तरीके होते हैं। एक बार फटाफट देख लेते हैं कि कैसे हम डॉम को एक्सेस करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और फिर उसके बेसिस पे हम इनहेंस करेंगे, कुछ और करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगर हम बात करें कि हमने एग्जांपल में देखा आईडी होनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए, टैग होना चाहिए और कुछ क्वेरी सिलेक्टर होना चाहिए। चलिए इस चीज को कंसिडर करते हुए हम कुछ बनाते हैं। इसमें मैं एक आईडी देता हूं जिसको बोलता हूं नेम, इसका एक क्लास दे देते हैं, इसका क्लास दे देते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है डिस्क्रिप्शन। फिर क्या करते हैं, इसको एक और प्रॉपर्टी दे देते हैं, इसको प्रॉपर्टी दे देते हैं, ये यूएल ही रहने देते हैं, ये एलआई रहने देते हैं, और ये एंकर टैग एलआई सब यही रहने देते हैं। क्वेरी सेलेक्टर में अगर हमें कुछ देना है तो मे बी इसके अंदर हमारे पास सारे कॉम्बिनेशंस हो गए। तो चलिए अगर मुझे क्या करना है, वापस से जाएंगे, इसको रीरेंडर करेंगे। अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज। अब डॉम में अगर मैं जाता हूं तो देखते हैं इसमें एक आईडी लग गई है, इसमें एक क्लास लग गया है, ठीक है। तो मेरे पास एक आईडी है, एक में मेरे पास क्लास है। अब मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इन डॉम एलिमेंट्स को इनको एक्सेस कर सकते हैं, इनको रीड कर सकते हैं। तो पहला एक हमने सबसे बढ़िया तरीका देखा था, हम क्या कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के थ्रू हमारे पास जो भी डॉम एलिमेंट है उसके ऊपर ये जो एपीआईज मैंने आपको बताई है ना, जो मेथड्स बताए, ये सारे मेथड एक्सेसिबल होते किसी भी डॉम एलिमेंट के। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसमें लिखने वाला हूं डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कौन सी आईडी है जिसके थ्रू मैं एक्सेस करना चाहता हूं, किसको एक्सेस करना चाहता हूं। मैं ये नेम वाला जो फील्ड है इसको एक्सेस करना चाहता हूं, ये जो नेम है इसको एक्सेस करना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं एक्सेस करके हम क्या करेंगे, बाय नेम। ये अगर मैं एक्सेस करता हूं तो देखिए क्या आएगा, बढ़िया हम एक्सेस कर पा रहे हैं। मैंने देखा एक आईडी दिया जिसका नाम है नेम हमने रखा था, वो जो एलिमेंट है वो फटाक से हमारे सामने आ गया, क्योंकि हमने ये एक मेथड जो कि डॉक्यूमेंट के ऊपर अवेलेबल है हमने यूज किया। सिमिलरली अगर मुझे कोई क्लास पता है किसी एलिमेंट के ऊपर, जैसे ये डिस्क्रिप्शन, अगर मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम,
ये, और इसमें मैं क्लास नेम दे सकता हूं। क्लास नेम मेरी क्या है? डिस्क्रिप्शन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोटिस कीजिएगा, ये जो एपीआई है, जो मेथड आपको डॉक्यूमेंट देता है, इस केस में एक सिंगल आईडी, सिंगल एलिमेंट होता है। इस केस में देखिएगा, आपको बोलता है एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स है तो इसका क्या मतलब है? आपके पास जो डेटा आएगा वो एक एरे के फॉर्मेट में आएगा। तो अगर मेरे को, आप देखिएगा, इसमें फर्स्ट एलिमेंट डिस्क्रिप्शन वाला है, तो मैं इसको जीरो करके एक्सेस भी कर सकता हूं, जिसमें मेरे पास एग्जैक्टली पहला वाला जो इसका डिस्क्रिप्शन वाला क्लास वाला एलिमेंट है वो मुझे यहां पे मिल जाएगा। तो देखिए, हमने दो तरीके से, एक आईडी और दूसरा है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम के थ्रू, अलग अलग चीजें एक्सेस करना देख लिया है। अब इसी के साथ एक और चीज होती है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे पूरा का पूरा यूएल जो यहां पे है ये एक्सेस करना था, तो मैं कैसे कर सकता हूं? सेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम। तो देखिए, गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम। अब मेरा टैग नेम क्या है? मेरा टैग नेम है यूएल। भैया मुझे सारे के सारे दे दो जिसमें आपका यूएल बेसिकली हो। ये भी आपको क्या देने वाला है? एलिमेंट्स। ये भी आपको लिस्ट देगा। तो अगर मेरे को पहला वाला एक्सेस करना था तो मैं जीरो तक एक्सेस कर सकता हूं। तो देखिए, आपके पास वो यूएल, इसके अंदर जो भी एलआई, जो भी इसके चाइल्ड है, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा डॉम ट्री उस लेवल से आपको अवेलेबल हो गया। साउंड्स गुड? तो हमने काफी सारे तरीके देखे। एक और इंटरेस्टिंग तरीका देखते हैं। मान लीजिए कि आपका नेम क्या हो गया? नेम हो गया, जैसे आपके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड हमेशा यूनिक होता है। क्लास नेम जो हम ये बात कर रहे हैं, ये क्लास नेम क्या होता है? किसी का नाम। मान लीजिए मेरी क्लास में अमित, जब मैं बीटेक में था तो मेरी क्लास में 15 अमित थे। अब अमित रोल नंबर तो उनका यूनिक होगा, आधार कार्ड भी यूनिक होगा, पर अगर नाम से देखोगे तो 15 एक लिस्ट मिलने वाली है, राइट? तो यहां पे इसीलिए आपके पास जो मिला था वो लिस्ट मिला था। कुछ चीजें जो होती हैं आप क्लास नेम से निकाल सकते हैं, आईडी से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं अवेलेबल तो टैग नेम तो अवेलेबल होगा ही होगा। अब इसके साथ क्या हुआ? इतने सारे डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास एक्सेस करने के लिए। अब हर बार याद रखो कि आईडी से करना है तो ये मेथड यूज करो, क्लास से करना है तो दूसरा मेथड यूज करो, टैग नेम से करना है तो कोई और मेथड यूज करो। इसी के लिए एक बहुत ही सिंपल एपीआई है जिसको आप ऑलमोस्ट हर जगह यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। बस इस केस में आपको क्या याद रखना है? थोड़ा सा आपको सीएसएस में सेलेक्टर्स के कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आपको क्या कहना है? अगर मुझे यही नेम वाला आईडी निकालना था तो इसका सेलेक्टर क्या है सीएसएस का? क्योंकि ये आईडी है तो ये हैश लिख सकता हूं और नेम मैं इसको लिख सकता हूं। तो देखिए, सेम आपका डेटा आ गया जो कि हमारे पास गेट एलिमेंट बाई आईडी से आ रहा था, सेम डेटा एग्जैक्टली हम क्वेरी सेलेक्टर से भी ला सकते हैं। अगर मुझे ये क्लास नेम, क्लास की डिटेल लेके आनी थी तो मैं इसको डॉट, क्योंकि क्लास डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट डिस्क्रिप्शन लिख सकता था, जिसमें से मेरे पास पहला एलिमेंट उसका, इसमें लिस्ट नहीं आएगी, पहला एलिमेंट मेरे पास आ भी जाता। सिमिलरली अगर मुझे यूएल चाहिए था तो डायरेक्टली मैं टैग नेम भी देके यहां पे ला सकता हूं, है ना, इंटरेस्टिंग चीज। अब अगर मेरे को यूएल के अंदर एलआई चाहिए तो मैं स्पेस देके उसके अंदर का पहला एलआई ऐसे ला सकता हूं। तो देखिए, लिंक्डइन वाला डेटा आ गया, तो है ना इंटरेस्टिंग चीज। आप क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू पहला जो भी मैचिंग अकरेंस है वो आपको मिल जाएगा। इसी में एक और इंटरेस्टिंग होता है, मुझे पहला नहीं, मुझे सारे चाहिए, तो गेट क्वेरी सिलेक्टर बाई ऑल। जब आप इसको हिट करेंगे तो देखिएगा आपको वापस से पूरी लिस्ट मिलेगी, जिसमें आप देखिएगा सेकेंड वाला जो इसका आइटम था उस आइटम में टा 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 कहाँ गया? हाँ, तो ये देखिए आपका ये YouTube का है और पहला वाला LinkedIn का, आपको दोनों के दोनों नोड का, दोनों के दोनों डेटा आपको यहाँ पे एक्सेसिबल हो गया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके से इनको एक्सेस करना, डॉम को एक्सेस करना तो सीख लिया है। अब यही कोड जो हमने यहाँ कंसोल में लिखा है, आप डिक्टो ये कोड किसी अपने कोड में या किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में गया और जावास्क्रिप्ट फाइल में जाने के बाद एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम दिया नेम रेफरेंस, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट को रेफर करने वाला है तो मैंने इसका नाम रेफरेंस दे दिया। अब इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करा सकता हूं तो देखिएगा सेम ही रिजल्ट आएगा। मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूं, उस वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद मेरे पास जो डेटा है वो आ जाएगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपने स्क्रिप्ट हमने कहाँ ऐड की थी? स्क्रिप्ट को हेड में नहीं ऐड कीजिएगा इस सारे सिनेरियोज में, स्क्रिप्ट को हमेशा आप बॉडी में ऐड करना, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्यों ऐसा करना है हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में सीखेंगे, पर इंपॉर्टेंट है आप ये हमेशा बॉडी के एकदम बॉटम में रखिएगा, ताकि आप डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट्स है जो डॉम है उसको आप एक्सेस कर पाए बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, तो आप देखिएगा क्या है आपके पास, ये चिराग गोयल आ गया, एक्सेस हो गया। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए था डिस्क्रिप्शन एक्सेस करना, तो मैं इसको लिख सकता था डिस्क्रिप्शन, कोई भी वेरिएबल का नाम ले लीजिए, रेफरेंस इज इक्वल टू, मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और क्लास नेम क्या है डिस्क्रिप्शन, और इसको भी कंसोल करा सकता हूं, तो देखिएगा मेरे पास ये भी आ गया। अब ये तो हो गया एक्सेस करने का तरीका, बहुत ही बढ़िया। मैं ऐसे किसी भी चीज को एक्सेस कर सकता हूं कोई भी डॉम ट्री के अंदर, ये देखिए मेरे पास आ गया, इसका जीरो एलिमेंट चाहिए था तो मुझे जीरो वाला भी मिल जाएगा, तो जीरो वाला मिल जा आपका, जीरो वाला पी टैग में जो डिस्क्रिप्शन आपने डाला था वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हमें मिल गया, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब हमने यहां पे डिस्क्रिप्शन देख लिया है, ये चीज आ गई है, अब हमें क्या करना है, अब रीड तो करना सीख गए भैया, अब हम सीख गए कि कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है, अब हमें सीखना है इनको कैसे मॉडिफाई किया जाता है, कैसे इसको मैं राइट कर सकता हूं, कैसे इसमें कुछ डेटा मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, तभी तो मजा आएगा, तभी तो मैं डायनेमिक कोई चीज बनाऊंगा कि मैंने एक स्केलेटन भरा जिसके अंदर टाइटल अलग दे दिया, डिस्क्रिप्शन अलग दे दिया, कब स्टार्ट होगा कोर्स, कोर्स की जो स्पेसिफिक डिटेल है डिपेंडिंग ऑन यूज केस मैं उसमें फिल करूंगा और ऑटोमेटिकली वैसी प्रोफाइल बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए रीड करना सीखा है हम, अब इसमें राइट करना सीखेंगे। राइट करने से पहले एक छोटी सी चीज हम देख लेते हैं कि अगर, चलिए पहले एक छोटी सी राइट कर ही लेते हैं। अब मान लीजिए कि इस वाले डेटा में, ये जो चिराग गोयल वाला डेटा है, ये डेटा है, इस डेटा में जो कि आपका ये डेटा है, इसमें मैं क्या करना चाहता था, चाहता हूं कि इसका जो नाम है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं इसके लिख सकता हूं इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू चिराग गोयल। तो आप देखिएगा जब ये लोड होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो इसका इनर एचटीएमएल है, इसके अंदर का कंटेंट है, उसको मैंने मॉडिफाई करके लिख दिया कि अब ये चिराग गोयल हो जाएगा। अगर मैं यहां पे कुछ भी कंटेंट ना लूं, अगर मान लीजिए डायनेमिक टेम्पलेट बनाना है ना, तो हो सकता है यहां पे कोई भी इनिशियली एचटीएमएल में कोई कंटेंट ही ना, एचटीएमएल में कोई कंटेंट नहीं था। हमने क्या किया, अगर यहां पे मैं इस लाइन को हटा देता तो देखिए लोड जो होगा, तो इनिशियली हाइफन 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 एक टेम्पलेट में कोई वैल्यू है हमें नहीं पता, डिपेंड करेगा कौन सा कोर्स है, उसमें कौन इंस्ट्रक्टर है, उसका क्या नाम है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, सारी की सारी चीज मैं डायनेमिकली फिल करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, एक एचटीएमएल में ये जो डेटा है इसको एम्प्टी कुछ भी फिल कर दिया, टेम्पलेट में डैश डैश डैश, इसमें आप जो फिल करना चाहो जावास्क्रिप्ट से डायनेमिकली फिल कर देना। और फिर मैंने क्या किया, डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट से इनर एचटीएमएल एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मैं इसका नाम मॉडिफाई कर सकता हूं, देखिए इसका नाम मॉडिफाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई भी प्रॉपर्टी आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो मॉडिफाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो जैसे कि मेरे को इसका डिस्क्रिप्शन था, अब ये इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है, मे बी मैं चाहता हूं कि ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास डायनेमिकली लोड हो। अब यहां से भी मैं डिस्क्रिप्शन को करता हूं बाय 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 बाय, डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए इनिशियली, ये भी डिस्क्रिप्शन एम्प्टी है, तो देखिएगा यहां डिस्क्रिप्शन एम्प्टी है। अब मुझे डिस्क्रिप्शन को क्या करना है, फिल करना है, तो कैसे फिल करेंगे, आप देखिए डिस्क्रिप्शन का रेफरेंस क्या है, डिस्क्रिप्शन रेफरेंस डॉट इसका इनर एचटीएमएल मैं फिल कर सकता हूं जो मेरे पास ये कंटेंट आया था, कुछ ऐसा, नई लाइन में है तो कुछ ऐसा डाल देते हैं, स्ट्रिंग लिटरल आपको पता ही होगा। तो चलिए इसी के साथ अगर देखेंगे हमने क्या किया, इनर एचटीएमएल को लोड करा देते हैं, ओके, डिस्क्रिप्शन रेफरेंस, हमें डिस्क्रिप्शन रेफरेंस में जो पहले वाला पी टैग है क्योंकि क्लास नेम से एक्सेस कर रहे हैं उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। देखिए मॉडिफाई करने के बाद मेरे पास इनर एचटीएमएल में वो कंटेंट अपडेट हो गया है। तो चलिए आपको मजा आया, आप किसी भी वेबसाइट को खोल के उसके एलिमेंट को एक्सेस करके उसका इनर एचटीएमएल और कोई भी चीज आप प्ले कर सकते हैं। ऐसे एक टेम्पलेट बनाइए और उस टेम्पलेट में जो भी डेटा आप फिल करना चाहते हैं डायनेमिकली, ये सारा का सारा डेटा आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू फिल कर सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ मैंने स्केलेटन बनाया,
स्केलेटन बनाने के बाद उन सारे स्केलेटन में डेटा मैंने फिल करना चालू कर दिया डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू, है ना इंटरेस्टिंग, आप भी ट्राई कीजिए। अब इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब हमने क्या किया, पहले डॉम को एक्सेस किया, फिर एक्सेस करने के बाद उसको मॉडिफाई करना सीखा। अब मान लीजिए कि डॉम ही मैं डायनेमिकली बनाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि स्टार्टिंग में मैं ये टेम्पलेट का जो स्केलेटन है ये भी बनाऊं, क्यों बनाऊं, मैं नहीं बनाना चाहता। अगर मैं ना भी बनाऊं तो क्या डायनेमिकली मैं ये एलिमेंट बना के H1 और उसके अंदर कोई कंटेंट भी दे सकता हूं क्या? चलिए देख लेते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए जो हमने ये कोड लिखा हुआ है ऊपर वाले कोड को बोलते हैं बाय बाय। अब मैं एक एलिमेंट क्रिएट करने वाला हूं और एलिमेंट क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, एक API है, एक मेथड है जिसको बोलते हैं क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट के थ्रू आप एक नया मेथड क्रिएट कर सकते हैं, एक नया एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली, और उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और फाइनली मैनिपुलेट करने के बाद उसको डॉम में वापस से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, एक नया डॉम एलिमेंट क्रिएट करूंगा। तो कॉन्स्ट नेम, एक नेम नाम का एक नोड क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट क्या है, एक H1 टैग ही तो बनाना था मुझे। तो देखिए यहां पे मैं ये वाला जो H1 टैग है इसको करता हूं बाय बाय, क्योंकि मुझे ये भी डायनेमिकली क्रिएट करना है। तो देखिएगा यहां पे H1 कुछ भी नहीं है अभी। अब इस H1 को मैंने क्रिएट किया है और console.log में एक बार देख भी लेते हैं कि क्या ये क्रिएट हुआ है वाकई में या नहीं हुआ है। तो देखिए एक console.log कहां गया, console.log में जाओगे तो देखो एक H1 क्रिएट हो गया यार, बहुत बढ़िया H1 क्रिएट तो हो गया। अब ये जो H1 क्रिएटेड है क्या इसके साथ मैं कुछ और कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। तो जो H1 मैंने क्रिएट किया है इसमें एक ID भी दे देते हैं। तो वो कैसे देते हैं, मैं इसकी जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कर सकता हूं डॉट ID। तो ID को मुझे क्या सेट करना है, सेट करना है नेम के बराबर। तो देखिएगा ID जो है वो नेम के बराबर यहां पे सेट हो गई है। अब ये एक एलिमेंट तो बन गया, एलिमेंट बनने के बाद इसमें नेम भी आ गया, पर अगर मैं यहां पे एलिमेंट्स में जाके देखूं तो इस बॉडी के अंदर इमेज है पर इमेज के साथ कहीं पे वो H1 आया नहीं। अब H1 क्यों नहीं आया भाई, H1 को तो आ जाना चाहिए था, H1 क्यों नहीं आया अभी तक, क्या आप जानते हैं? H1 इसलिए नहीं आया क्योंकि वो आपने एक एलिमेंट बना तो दिया, उसको ट्री में कौन ऐड करेगा, ट्री में भी तो आप ही को ऐड करना है भाई, हमें ऐड करना है मिलके। तो चलिए उसको हम एक जो हमारा डॉम ट्री है उसमें ऐड करते हैं ताकि वो हमारे पास एक्सेसिबल हो। तो चलिए कैसे ऐड करेंगे, दो तरीके हैं, आप इसको बॉडी के लास्ट में ऐड कर सकते हो या बॉडी के स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो। तो चलो स्टार्टिंग में ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब बॉडी के स्टार्टिंग में ऐड करना है तो बॉडी को तो पहले एक्सेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि बॉडी में हमें प्रीपेंड करना है या अपेंड करना है। तो बॉडी को कैसे एक्सेस करेंगे, चलिए आप लोग मास्टर हैं, बॉडी को एक्सेस करने के लिए क्या करें, बॉडी का रेफरेंस कैसे निकालेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम या क्वेरी सेलेक्टर ले लेते हैं, ऐसी क्या बात है, क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में क्या चाहिए, हमें बॉडी चाहिए, हमें बॉडी का रेफरेंस मिल गया। अब इस बॉडी के बॉडी में जो हमारा डॉम ट्री है इस बॉडी में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में ये जो हमने नया नोड बनाया था इसको ऐड कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, बॉडी रेफरेंस डॉट क्या करें इसमें प्रीपेंड कर देते हैं, और प्रीपेंड क्या करेंगे, ये जो नोड बनाया है नेम वाला इसको ऐड कर देते हैं। तो चलिए हमने एक नोड बनाया और उस नोड को ऐड कर दिया, कहां गया ये नोड हमारे पास आ गया बेहतरीन तरीके से, कहां गया ये नोड हमारा, यहां चला गया क्योंकि हमने इमेज के ऊपर ही ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हमने प्रीपेंड कर दिया कि उस एलिमेंट में बॉडी में सबसे ऊपर की तरफ चला गया। तो देखिए डायनेमिकली आपने एक नोड बनाया, नोड बनाने के बाद उसमें आपने एक नई प्रॉपर्टी दी उसकी ID इक्वल टू नेम, उसके बाद आपको आपने डिसाइड किया चलो ये नोड तो बन गया, एक आइटम बन गया, अब इसको रखू कहां इस नोड को, तो इस नोड को आपको कहां डालना था, बॉडी के अंदर। तो हमने क्या किया, बॉडी डॉट प्रीपेंड। ऐसे ही प्रीपेंड के अलावा एक और मेथड होता है अपेंड भी कर सकता था, तो इसको मैं लिख सकता था अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है, आखिरी में चले जाओ, है ना। तो देखिएगा अब आएगा तो चिराग गोल, पर ये लास्ट में चला जाएगा।
तो प्रीपेंड करना है, अपेंड करना है, ये सारी लॉजिक आप डिसाइड कर सकते हो यूज केस के ऊपर। मेरे को यहां पे डालना था, मेरा काम हो गया। तो अब ऐसे ही एक नया एलिमेंट बना के उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करके उसके अंदर एक बॉडी में या किसी और डॉम के अंदर कहीं पे भी आप ये नया वाला नोड फिट कर सकते हो। आपको तरीका पता लग गया? एक नोड बनाओ, उसको उसके साथ प्ले करो और फाइनली किसी भी डिव के अंदर उसको जाके प्रीपेंड अपेंड जो करना है कर दो, उसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो चलिए हमने देखा कि कैसे एक नया एलिमेंट बना सकते हैं, कैसे उसके चाइल्ड में ऐड कर सकते हैं या फिर उसमें प्रीपेंड कर सकते हैं। अपेंड करो, प्रीपेंड करो, ऐड चाइल्ड करो, अलग अलग तरीके, कहां पे वो ऐड होने वाला है वो डिफर करेगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। सिमिलरली रिमूव चाइल्ड भी है। अगर मैं चाहता था कि इसमें से भैया ये जो मे बी डिस्क्रिप्शन है ये डिस्क्रिप्शन उड़ा दो, तो मैं बोल सकता था कि इसके अंदर या बनाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो रेफरेंस है इसको उड़ा दो, तो उसके लिए मैं रिमूव चाइल्ड भी यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या चाहता हूं, बॉडी के अंदर से, फाइनली बॉडी के अंदर से डॉट रिमूव चाइल्ड, और कौन सा चाइल्ड मैं चाहता हूं रिमूव हो जाए, किसी को भी ले लेते हैं, ये डिस्क्रिप्शन रेफरेंस है ना, इसको उठाते हैं और कहते हैं गायब हो जाओ। तो देखिए वो डिलीट हो गया, इसके अंदर कोई भी पी टैग नहीं बचा क्योंकि हमने इसको उठा के डिलीट कर दिया। तो आप ऐसे किसी भी एलिमेंट को ऐसे रिमूव भी कर सकते हो। तो आपने क्या कहा, मैं पेरेंट पे खड़ा हूं, मेरे एक चाइल्ड का रेफरेंस दे रहा हूं, इस चाइल्ड को उड़ा दो, इसको डिलीट कर दो, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग, तो काफी काफी इंटरेस्टिंग मेथड है जिसके थ्रू आप डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हो, डायनेमिकली एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, किसी भी तरीके से उसको ऐड कर सकते हो, उसमें नया कंटेंट डाल सकते हो और आप डिफाइन कर सकते हो कि उसका टेम्पलेट, उसका डेटा क्या फिल होगा, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप डिफाइन कीजिए, है ना। इंटरेस्टिंग, तो हमने इनर एचटीएमएल में भी देख लिया है। सिमिलरली एचटीएमएल में आप कॉम्प्लेक्स चीजें डाल सकते हो, आप लिख सकते हो H1 के अंदर कोई डेटा है, अगर आपको प्लेन टेक्स्ट चाहिए था तो आप उसका इनर टेक्स्ट भी यूज कर सकते थे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उसका टेक्स्ट मिलता, आपको पूरा का पूरा एचटीएमएल नहीं मिलता। आपको सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो आप इनर टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आपको पूरा एचटीएमएल यूज करना है तो इनर एचटीएमएल मोस्टली यूज होता है। सिमिलरली आपको एक डिव के अंदर, कंटेनर के अंदर चाहिए कि भैया मुझे सिर्फ इसके अंदर का टेक्स्ट दे दो, तो आप टेक्स्ट कंपोनेंट भी यूज कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास ये यूएल है, ये यूएल एलआई है ना, इस यूएल एलआई में से चाहता हूं कि भैया ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट मिल जाए मुझे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, उसे कुछ ऐसा लिख सकता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और सेलेक्टर क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरे यूएल के अंदर, एलआई के अंदर का जो जो टेक्स्ट कंटेंट है भैया वो मुझे दे दो, मैं चाहता हूं कि इसको कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करा दूं, देखते हैं क्या आएगा। तो हम चलेंगे कंसोल में और देखिए लिंक्डइन लिंक, उसके अंदर जो भी आपके पास सिर्फ टेक्स्ट था वो टेक्स्ट आपको आराम से मिल जाएगा। तो दो टेक्स्ट थे, एक हमारे पास लिंक्डइन था और एक एंकर के अंदर हमारे पास लिंक था, तो जो भी टेक्स्ट है आपको उसको निकालने में हेल्प करता है, तो हमने ये भी मेथड देखा। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हमें चाहिए कि जो भी क्लासेस हैं, जो भी उस डॉम एलिमेंट के ऊपर जो भी क्लासेस हैं वो क्लासेस मुझे दे दो यार, ताकि मैं उसके साथ प्ले कर सकूं, एक नई क्लास ऐड करनी है, रिमूव करनी है कोई क्लास, वो भी कर सकता हूं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं फिर से, काफी इंटरेस्टिंग है ये। अब मैंने देखा कि इसमें कोई क्लास थी ना, कहीं तो ऐड की थी हमने क्लास, कहाँ गया, अच्छा डिस्क्रिप्शन उड़ा दिया था क्या। हाँ, जैसे ये डिस्क्रिप्शन है, अब इस डिस्क्रिप्शन की मुझे सारी क्लासेस चाहिए, दे दो मुझे क्लासेस ताकि मैं डिसाइड करूं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, तो चलिए मेरे को चाहिए कि इस डिस्क्रिप्शन के अंदर की सारी क्लासेस दे दो, तो मैं इसको लिखूंगा, इसको कमेंट करते हैं, मैं इसको लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर की सारी क्लास लिस्ट दे दो मुझे। तो चलिए प्रिंट करा के देखते हैं, एक लिस्ट मिलेगी आपको जिसके अंदर अभी एक ही क्लास है तो आपको एक ही डेटा मिलेगा। तो आपको क्या मिला, डिस्क्रिप्शन, आपको एक एक लिस्ट मिली जिसके अंदर आपको एक ही आइटम है जिसका नाम है क्लास का डिस्क्रिप्शन, है ना। इंटरेस्टिंग, अब देखिए अब इस क्लास लिस्ट के साथ मैं और चीजें कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि डायनेमिकली इस डिस्क्रिप्शन में एक और चीज ऐड हो जाए, कि मान लो मैं चाहता हूं कि इसमें और चीजें ऐड करना चाहता हूं, तो क्या ऐड करूंगा, कैसे ऐड करूंगा, चलो देखते हैं। मैं इसके साथ थोड़ा सा और प्ले करके देखते हैं, डिस्क्रिप्शन डॉट एड, मैं ऐड क्या करना चाहता हूं, एक नई क्लास
जिसको दे देता हूं एक्टिव, ठीक है, और दे देता हूं या फिर बोल्ड। मैं चाहता हूं कि एक बोल्ड नाम की क्लास इसमें ऐड हो जाए। तो देखिए वापस जाते हैं एलिमेंट्स के अंदर, देखते हैं क्या कुछ हुआ क्या। देखिए डिस्क्रिप्शन के साथ एक और क्लास हो गई ऐड बोल्ड। अगर मैं चाहता इसमें से डिस्क्रिप्शन क्लास ही उड़ा दो, इस डिस्क्रिप्शन वाले से जैसे हमने ऐड किया है ऐसे हम रिमूव भी कर सकते थे। इसमें से मैंने कहा कि जो डिस्क्रिप्शन क्लास है वही उड़ा दो। लो भाई अब देखोगे इसके अंदर सिर्फ पहले क्या थी, डिस्क्रिप्शन थी, हमने बोर्ड लगाई उसके बाद डिस्क्रिप्शन ही उड़ा दी। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग तरीके से हम क्या काम कर रहे हैं, हम इंटरेस्टिंग तरीके से इसकी क्लास के साथ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। डायनेमिकली कह रहे हैं इस एलिमेंट में ये क्लास ऐड कर दो, इस एलिमेंट में ये क्लास निकाल दो। आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है कि आप जावास्क्रिप्ट में इस पूरे के पूरे एचटीएमएल एक वेब पेज के साथ डायनेमिकली प्रोग्राम के थ्रू क्या करना चाहते हो। आप अपने यूज केसेस लेके आओ, उस यूज केसेस के अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई करो और इंजॉय करो जो भी आप बनाना चाहते हो, है ना इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही आप इसके स्टाइल्स को उठा सकते हो। तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, इसमें हम बोल्ड बोल्ड ऐड नहीं करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन के साथ कुछ और काम करते हैं। इसकी स्टाइलिंग के साथ प्ले करें, बिल्कुल। चलो हम क्या करेंगे, इसकी स्टाइल को पिक करेंगे और इसकी स्टाइल में कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्या ऐड कर देते हैं इसमें, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम उसको कर देते हैं फॉन्ट साइज को 20-30 पिक्सल कर देते हैं। चलो तो देखिए अचानक से बढ़ गया, हमने इसका साइज क्या कर दिया 30 पिक्सल। डायनेमिकली आप किसी भी स्टाइल को पिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसका चाहता था कलर चेंज हो जाए, तो डिस्क्रिप्शन डॉट स्टाइल डॉट इसका कलर जो है मैं चाहता हूं रेड हो जाए। तो लो भाई हमने रेड कर दिया इसका कलर, है ना इंटरेस्टिंग। आप इसकी स्टाइल्स के साथ प्ले कर सकते हो, उसकी क्लास के साथ प्ले कर सकते हो, उसमें क्या कंटेंट आएगा उसके साथ प्ले कर सकते हो, आप कुछ भी प्ले कर सकते हो। जब आप एक डेवलपमेंट कर रहे हो, एक डॉम के साथ प्ले कर रहे हो, एक डॉक्यूमेंट के साथ प्ले कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग एपीआईज हैं जिसके थ्रू आप बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग काम करते हो, ठीक है। आप कोई भी एट्रीब्यूट उठाओ और उसको चेंज करो और अपने हिसाब से अपना वेब पेज डायनेमिकली मॉडिफाई। तो चलिए इसी के साथ हम और लिसनर्स के बारे में सीखते हैं। जब हम लिसनर्स की बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करे तो एक पॉपअप आए, या फिर कोई डायनेमिकली एक टेक्स्ट यूजर को दिख जाए, कुछ भी हो डायनेमिकली हो। कब हो, जब मैं किसी कोई एक्टिविटी करूं, जब मैं क्लिक करूं, जब मैं स्क्रॉल करूं, जब मैं टच करूं, है ना, जब मैं टाइप करूं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी के टाइम पे मेरे मेरे डॉम में, मेरे एप्लीकेशन में कुछ डायनेमिक चीजें होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे देखी थी कि अगर हम इस पेज पे जाते हैं, पेज पे जाने के बाद हम किसी पे भी क्लिक करते हैं, हमने पेज पे जाने के बाद इस पे क्लिक किया तो ये डायनेमिकली ओपन हुआ, राइट। ऐसे ही कोई भी चीज हम चाहते हैं कि डायनेमिकली हो हमारी एक्टिविटी करने के बाद, तो वो सारे काम हम इवेंट लिसनर के थ्रू कर सकते हैं और हम देखेंगे वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं इवेंट लिसनर की, जो हम बात कर रहे थे। अगर मैं चाहता हूं कि मैंने एक बटन बनाया है, एक एडिट का लिंक दिया है, कोई भी इंटरेक्टिविटी चाहता हूं जहां पे मैं चाहता हूं कि यूजर कुछ इंटरेक्टिविटी करे, या तो क्लिक करे या टाइप करे या कोई भी ऐसी स्क्रॉल करे, कोई भी एक्टिविटी करे, तब मैं कोई एक्शन उसके ऊपर लेना चाहता हूं, तो वो हम इवेंट लिसनर के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमने क्या किया, एक बटन पे क्लिक किया या पेज स्क्रॉल किया या कुछ कीबोर्ड पे टाइप किया, इसके बेसिस पे मुझे कुछ डिटेक्ट करना है। वो इवेंट को डिटेक्ट करने के बाद मुझे कोई कोड जो है वो एग्जीक्यूट करना है। सिंपल, मैंने क्लिक किया, जिस बटन पे क्लिक किया, अगर मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि यूजर ने उस बटन पे क्लिक किया है, तो उसके बाद मुझे कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है ये मैं कंट्रोल में रख सकता हूं। ये आप डिफाइन कर सकते हो कि उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, एक इवेंट लिसनर एक फंक्शन बनाएंगे जो कि एक इवेंट के ऊपर अटैच कर देंगे, और उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी होने के बाद हम वो एक मेथड जो होगा वो कॉल कर देंगे। तो चलिए कॉल करके देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फटाक से एक एलिमेंट बना देते हैं। हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट बना देते हैं, चलिए हम एक नया नोड बनाएंगे और ये नोड होगा एक बटन का नोड, और इसका नाम दे देते हैं कुछ ऐसा बटन, और इस बटन नोड में
आईडी वाईडी नहीं देते हैं, इसका इनर एचटीएमएल में सेट कर देते हैं अप्लाई फॉर पीडब्ल्यू स्किल्स कोर्स, ठीक है, कुछ ऐसा बड़ा सारा बटन दे दिया। अब इस बटन को कहाँ हमें ऐड करना है, हमें अपेंड करना है, किसमें करना है, जो हमने ऊपर बॉडी बना रखा था, ये जो बॉडी का रेफरेंस है इसमें इसको भी अपेंड कर देते हैं, बॉडी रेफरेंस डॉट अपेंड, अपेंड करते हैं इसको एक बटन को। तो देखिए एक बटन आ गया हमारे पास, बहुत ही शानदार एक बटन आ गया, जो कि अब इसमें मैं क्या चाहता हूं कि इस पे कोई अगर क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जिसमें आपका जो एप्लीकेशन वाला ये पेज है, ये पूरा जिसके अंदर फॉर्म है ये ओपन हो जाए, इसके क्लिक करने के बाद वो फॉर्म ओपन हो जाए, वो पेज ओपन हो जाए, हमें ये एक्टिविटी करना है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो नोड है, ये जो एलिमेंट है, जो हमारा डॉम एलिमेंट है, इसके ऊपर मैं एक लिसनर लगाना चाहता हूं। कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपल तरीका होता है, हम लिख सकते हैं डॉट एड इवेंट लिसनर। इस एड इवेंट लिसनर में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, समझेंगे। पहला हम देते हैं इवेंट का नेम, कौन से इवेंट पे मैं चाहूंगा कि ये जो मेथड है, ये जो यहां पे एक फंक्शन जो मैं लिखूंगा, कॉल बैक लिखूंगा, फंक्शन या फिर हम लिख सकते हैं कॉल बैक, किस इवेंट पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट करे, ये आपको डिफाइन करना है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तब यहां पे जो फंक्शन है वो, जो कोड है वो एग्जीक्यूट करे। तो हमारा इवेंट का नाम क्या है, क्लिक, हम कोई फंक्शन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, वो फंक्शन क्या एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, चलो मान लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर अभी के लिए अलर्ट करा देते हैं। चलो अलर्ट में लिख देते हैं थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलो हम बटन क्लिक कराते हैं और देखिए थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट एक पॉपअप आ गया, बहुत ही बढ़िया। हमने क्या किया, एक क्लिक किया, किसके ऊपर, एक बटन के ऊपर, उसके ऊपर लिसनर लगाया था, क्लिक इवेंट लिखा और हमने फंक्शन कॉल करा दिया। अब इस फंक्शन में अलर्ट की जगह हम क्या चाहते हैं कि एक नया विंडो खुले जिसमें वो काम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, विंडो डॉट ओपन। ये बहुत सारे ऐसे सिंपल सिंपल एपीआईज हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, आप सब सीख जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये यूआरएल कॉपी कर लेता हूं, कौन सा एक नया टैब ओपन करना चाहता हूं वो मैं लिख लेता हूं, मैं ये एक नया टैब ओपन करना चाहता हूं और नए पेज पे ओपन करना चाहता हूं, ना कि सेम पेज में रिप्लेस करना चाहता हूं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करा, वापस जाते हैं, अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए एक नया पेज ओपन हो गया जिसमें जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन का एनरोलमेंट के लिए आपके पास कोर्स आ गया। तो देखिए है ना इंटरेस्टिंग चीज, इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, इंटरेस्टिंग यही है कि आपने कोई भी इवेंट लिसनर अलग अलग एक्टिविटी के ऊपर, क्लिक के ऊपर, कीबोर्ड डाउन के ऊपर लगाया है, स्क्रॉल के ऊपर लगाया है, ऐसी बहुत सारी इवेंट्स हैं जिसके ऊपर आप लिसनर लगा सकते हो और आप ये जो फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप लिसनर लगाया है हटा भी सकते हो और इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, सारी की सारी चीजें हम इवेंचुअली धीरे धीरे करके मास्टरी करेंगे, पर ये चीज आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और ये चीज कोट कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं कि और किस टाइप के लिसनर्स होते हैं और किस टाइप के इवेंट होते हैं, उन्हें भी तो चला देख लिया जाए। तो हमने कुछ माउस के इवेंट होते हैं, जैसे हमने क्लिक देखा है ना, डबल क्लिक होता है, ऐसे बहुत सारे माउस के इवेंट होते हैं, कीबोर्ड के इवेंट होते हैं, कीबोर्ड डाउन, कीबोर्ड अप, ठीक है, ऐसे ही फॉर्म के इवेंट होते हैं, जैसे सबमिट वबमिट आपको फॉर्म करना होता है वो इवेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट के इवेंट होते हैं, जैसे आपका डॉक्यूमेंट लोड हुआ है, पेज लोड हुआ है, वो सारे जो इवेंट है वो यहां पे आते हैं। टच इवेंट कि अगर मैंने टच किया है, ठीक है, तो वो सारे इवेंट्स यहां पे आते हैं, मैंने टच से स्क्रॉल किया है, डबल टैप किया है, थ्री टैप किया है, वो सारे जो टच इवेंट है वो सारे यहां पे आते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, मोस्टली आपने देखा होगा कोई भी फाइल होती है आपने कहीं से उठाई और ड्रैग करके ड्रॉप कर दी, कोई किसी चीज की ऑर्डरिंग चेंज करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप ऑर्डरिंग चेंज कर देते हो, ये सारे के सारे इवेंट्स आप ड्रैग एंड ड्रॉप के इवेंट्स होते हैं। ऐसे काफी इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं जो आप इवेंट लिसनर में, एड इवेंट लिसनर के अंदर लगा सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है अगर ऐसा कोई इवेंट आता है तो। तो चलिए इसी के साथ हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज देखी हैं, हमने आज डॉम के बारे में पढ़ा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में पढ़ा, हमने वो ट्री क्यों है, वो ऑब्जेक्ट में डेटा क्यों रखता है, कैसे उसका डेटा रीड किया जाए ट्री में, कैसे ट्री को विजुलाइज किया जाए,
कैसे उसमें डेटा को मॉडिफाई किया जाए, एक नया नोड कैसे क्रिएट किया जाए, वो एग्जिस्टिंग ट्री में कैसे अटैच किया जाए, कैसे उसको डिलीट किया जाए, हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें की हैं। तो चलिए इसी के साथ आप कोशिश कीजिएगा कुछ अपना बनाने का, एक खुद का एक पेज बनाने की कोशिश कीजिए पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट से, जहां पे एलिमेंट आप क्रिएट कीजिए, उसकी प्रॉपर्टी आप ऐड कीजिए, उसका कंटेंट आप डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट से ऐड कीजिए, और देखिएगा आपको जावास्क्रिप्ट में कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आपको डेवलपमेंट से प्यार होने लगेगा जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। साइनिंग ऑफ, चिराग गोयल।